नमस्कार साथियों, बहुत बहुत करता हूँ स्वागत आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट पे। फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया 7 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाली है। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगी, फिर कॉलेज अलॉटमेंट होगा, फिर उसके बाद आपकी एडमिशन की प्रोसेस वहाँ पे शुरू होगी। आप सभी की यहाँ पे कमेंट आ रही है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा देना होगा और कब डॉक्यूमेंट देना होगा, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, एडमिशन को आपको भूल जाना होगा। अगर आपके पास अभी नहीं है तो आपके पास अभी समय बचा हुआ है, आप यहाँ पे बनवा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं बनवाते हैं तो आप जो है जो भी एडमिशन का सपना देख रहे हैं उसको छोड़ना होगा। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं 2019 के आधार पर, जो 2019 में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे उसी के आधार पर आपको 2020 में भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो जो प्रोसेस 2019 में था वही प्रोसेस 2020 में भी होने वाली है, तो यहाँ पर ज़्यादा चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 2019 के काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे। आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह 2019 के काउंसलिंग का नोटिस है। यहाँ पे नोटिस आया था काउंसलिंग के लिए, अभी आपका 2020 में भी आया था, और यहाँ पे मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि आपको डॉक्यूमेंट कब लगने वाले हैं, लेकिन 2020 में आपको दिया हुआ नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और इन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी गलती तो बरती है पहले की तुलना में। पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वह अच्छे से यहाँ पर बता दी गई थी उनके द्वारा कि स्टूडेंट को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा ताकि स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि काउंसलिंग के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले आवश्यक प्रपत्रों की सूची यहाँ पे देखेंगे। सीटी बीएड 2019 का एडमिट कार्ड यह 2019 का था, लेकिन आपको 2020 का जो एडमिट कार्ड होगा, चाहे आप रेगुलर मोड से हो, डिस्टेंस मोड से हो, या शिक्षा शास्त्री से हो, कोई किसी भी मोड से है, तो आपको 2020 का जो एडमिट कार्ड होगा वह आपको देना होगा। आप ध्यान रखिएगा, इसका फोटो कॉपी भी रखिएगा वहाँ पर। चलिए आगे भी मैं आपको बताऊँगा। अगला आपको लगने वाला है सीटी बीएड 2019 का अंकपत्र था, तो यहाँ पर आपको 2020 का मार्कशीट लगने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे मार्कशीट नहीं है, तो मैं उससे संबंधित वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाएंगे तो एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे बिहार बीएड काउंसलिंग करके वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दिए होंगे। जितनी भी आपको परेशानी हो रही है बिहार बीएड काउंसलिंग से संबंधित, हर एक टॉपिक पर मैं वहाँ पर वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे मैट्रिक का मूल अंकपत्र या मूल या औपबंधिक प्रमाण पत्र। यहाँ पर देखेंगे मूल अंक पत्र जो होता है ओरिजिनल की बात कर रही है, और औपबंधिक यानी जो कि होता है आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है उसको आपको रखना होगा। यानी मैट्रिक में आपको औपबंधिक प्रमाण पत्र मिलता है जो प्रोविजनल होता है, वह मार्कशीट के साथ ही मिलता है। अगला कि इंटरमीडिएट का मूल अंक यहाँ पर दिया हुआ है, जो इंटर का होगा मार्कशीट आपको, और फिर उसके बाद प्रोविजनल देना है। उसी तरह से स्नातक का जो ग्रेजुएशन का होगा आपको उसका अंक देना होगा, मार्कशीट देना होगा, और उसके बाद उसका प्रोविजनल भी आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल है तो भी निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप आगे देखेंगे यहाँ पे आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार होने पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया जाति प्रमाण पत्र। यानी कि अगर आप आरक्षित कोटि में आते हैं, आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र तो आप बनवा लीजिएगा। और यह जो होना चाहिए आपका पिछले एक वर्षों का होना चाहिए। देखिए जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे मेंशन नहीं करता है, यहाँ पे ज़्यादातर आवासीय और आय जो मेंशन करता है एक वर्षों का होना चाहिए, क्योंकि जाति तो यहाँ पर चेंज होती नहीं है। चलिए आगे देखिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार होने पर आप सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अध्ययन आय प्रमाण पत्र, आप आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे बनवा लेंगे और यह निर्गत कराएंगे। आप कोशिश करेंगे कि पिछले 6 महीने का होना चाहिए। इसकी वैलिडिटी साल भर भी होती है, लेकिन आप पता कर लेंगे वहाँ पर। अगर 6 महीने के भीतर का होता है तो आपको ज़्यादा ही यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाली है, अच्छी रहेगी आपके लिए, काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे 1 साल भी वैलिडिटी रहता है तो आप पता कर लीजिएगा आप अपने ब्लॉक से कि उसकी वैलिडिटी जो बनी है कितने दिन तक है। अगला कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अगर हैं तो आपको यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होगा, आपको आवासीय भी यहाँ पर देना होगा, तो जाति आवासीय आय आपको तीनों देना होगा। अगला कि सैनिक कर्मचारी कोटा के अगर अंतर्गत आप आते हैं तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा आपको छूट के लिए। उसके बाद अगर आप दिव्यांगता कोटा से आते हैं, पी एच कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पर आपको देना होगा, क्या देना होगा, यहाँ पर दिया हुआ है इसी के अंतर्गत आपको पी एच कैंडिडेट के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र देना होगा। देखिए इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है, सभी सफल अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपयुक्त सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति। यहाँ पे जब ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी तो वहाँ पे सभी का फोटो स्टेट लगा था,
ठीक है, और वहाँ पे स्व हस्ताक्षर यानी कि वहाँ पे अपना से साइन करके वहाँ पे अटैच किया गया था, ठीक है, सभी डॉक्यूमेंट पे अपने से साइन करना था। लेकिन आपकी प्रक्रिया यहाँ पे पहुँचने की यहाँ पे ऑनलाइन होने वाली है, तो इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, लेकिन आप इतने डॉक्यूमेंट तो कम से कम तैयार रखेंगे, ठीक है, और भी डॉक्यूमेंट होगा तो आप सभी तैयार रखेंगे। ये 2019 की सूची है जो 2019 में मांगी गई थी, इससे ज़्यादा तो आपको नहीं मांगी जाएगी यहाँ भी 2020 में भी। हाँ, लेकिन जो भी डिटेल्स आपके साथ था आपको मैंने इसके पिछले वीडियो में भी बता दिया था, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकेंगे, वहां पे भी मैंने क्या क्या बताया था, तो आप यहां पर देख सकते हैं। ये 2019 का है, देखिए जो ऑफिशियली आती है ना वे इतने ही डॉक्यूमेंट खोजते हैं जो खोजे हुए थे इसमें। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि आपको डॉक्यूमेंट कब देना होगा। आप ये जब देखेंगे स्क्रीन पे जाके ललित एंड मिथिला यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कब और कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। यह काउंसलिंग का शेड्यूल है और मैंने वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड किया है। यहाँ जब आएंगे तो आप अभी देखेंगे इसके 7 से लेकर 17 तक क्या हो रहा है, काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और फी जमा हो रहा है। 21 तारीख को आपका जो है कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, 21 तारीख को आपका कौन सा कॉलेज मिला है आपको बता दिया जाएगा, और उसके बाद फी का टाइम रहेगा, जो कॉलेज आपको मिला होगा उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा 21 से लेकर 31 तक। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको दिखेगा 3/11 को फाइनल आपका अलॉटमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, उसका पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिला है। उसके बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, वह 9 नवंबर से होगा, ठीक है, 9 नवंबर से 12 नवंबर, और उसके बाद 23 नवंबर से 25 नवंबर तक होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता 9 नवंबर को पड़ने वाली है, तो आप डॉक्यूमेंट उससे पहले जो है बनवा लीजिएगा। अगर सेकेंड काउंसलिंग में जाते हैं तो आपके पास समय है, आप नीचे जाके देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कब लगेगा। सेकेंड काउंसलिंग की ज़रूरत तब पड़ेगी जब वहाँ पर सीटें खाली रहेगी, तो ठीक है, अगर सीटें खाली नहीं रहती है तो वहाँ पर सेकेंड काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके लिए डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन देना होगा 8/12 को देना होगा, 8/12 से लेकर 12/12 तक आपको सेकेंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में जा रहे हैं तो आप जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपना तैयार रखें, और 9 नवंबर तक आप अपना डॉक्यूमेंट जो है तैयार कर लेंगे, उसके पहले तक आपके पास प्रोविजनल नहीं है तो प्रोविजनल निकलवा लेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन किया हुआ 2 से 3 साल हो गया है, आपका ओरिजिनल जो है आ गया है यूनिवर्सिटी या कॉलेज में, तो आप जो है वहाँ से ले लेंगे। अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास 2 से 3 वर्षों से अधिक का वहाँ पर प्रोविजनल है तो उसको आप रिन्यू करा लेंगे, क्योंकि प्रोविजनल का जो वैलिडिटी होता है 2 वर्षों का होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो जानकारी चाहिए थी वह मिल गई होगी, अब आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैंने 2019 के डाटा के आधार पर आपको डिटेल्स बता दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, धन्यवाद।